गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 8 फरवरी गुरुवार 2024 श्री सुसम्मत 2080 सख सम्मत 1945 माघ महीना अंधेरा पाक 13 स्थिति। सूर्य मकर राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र रात्रि 1:27 तक रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दिशा सूल दक्षिण दिशा परिहार जीरा। कहने का मतलब यह है आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करना आज अति आवश्यक है तब आप क्या करेंगे? अगर आज के दिन आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करना अति आवश्यक है तो आप जीरा खाकर यात्रा आरंभ करें तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल दिन में 1:30 से 3 बजे तक, गुल्य काल प्रातः 9:30 से 10:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 6:30 से 7:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? जो भी शुभ काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं या यात्रा राहु काल में शुरू की जाती है, ये दोनों ही काम में कदम कदम पे दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे? अगर कोई शुभ काम आप करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेके चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि ज्ञात करिए। अब यहां पर एक समस्या और खड़ी हो जाती है। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, अब आप क्या करेंगे? परेशान ना होइएगा, हम आपको रास्ता बताएंगे। देखिए, यह दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्र होता है और प्र से भी समाज में बहुत लोग के नाम है, जैसे प्रमोद कुमार, प्रियांशु। अब आप क्या करेंगे? प्र को आप पासे देखिए। कहने का मतलब यह है प्र को आप कन्या राशि में देखें, ठीक है ना। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा भी होता है और त्रा से भी बहुत लोग के नाम हैं, जैसे त्रिवेणी है, त्रिलोकी है। अब आप क्या करेंगे? तो भाई त्रा को आप ता से देखें। कहने का सीधा सा मतलब यह है त्रा को आप तुला राशि में देख लीजिए। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा भी होता है और ज्ञा से भी समाज में बहुत लोग के नाम है, जैसे कि
ज्ञानेश्वरी, ज्ञानचंद। अब आप क्या करेंगे? तो भाई ज्ञा को आप गा से देख लीजिए। कहने का मतलब यह है ज्ञा को आप मकर राशि में देखिएगा। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर स्र भी होता है, और स्र से भी बहुत लोग के नाम हैं, जैसे श्रीचंद, श्रीकांत। अब आप क्या करेंगे? तो भैया स्र को आप सा से देखें। कहने का मतलब यह है स्र को आप कुंभ राशि में देखिए, ठीक है ना। अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं, यानी एरिस कुंभ राशि, सॉरी मेष राशि। एरिस यानी मेष राशि। मेष लग्न राशि के जातकों मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ मिलेगा, पिता का भी सुख मिलेगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग हैं, माता को भी सुख प्राप्त होगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के आपको योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाइएगा। टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों आज भाग्य प्रबल है, धर्म के काम में मन खूब लगेगा, भाई बहन का सहयोग प्राप्त रहेगा, माता को भी सुख मिलेगा। विशेष उपाय, मां लक्ष्मी की सेवा करें। जेमनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों आज आप सतर्क रहिएगा, परिवार में मतभेद होने के योग दिख रहे हैं, धन हान होने के योग बढ़ रहे हैं, टेंशन बढ़ने के भी चांस हैं। विशेष उपाय, गाय को हरी घास या हरा पालक खिलाए। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों आज पति या पत्नी को कष्ट होने के योग दिख रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन खुश रहेगा, आमदनी मंदी रहेगी। विशेष उपाय, शिव जी पर दूध और मिश्रित जल में मिलाकर इसे आप शिव जी को अर्पित करिए। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों आज स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा, दिमागी उलझन बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं, फिजूल पैसा बर्बाद होने के भी चांस आपके दिख रहे हैं, परंतु बाहरी लोगों से आपको मदद मिलने के योग हैं। विशेष उपाय, गुड़ का दान करिएगा। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों आज संतान को कष्ट होने के योग दिख रहे हैं, दिमाग में कुछ टेंशन बढ़ने के भी योग हैं, धन का लाभ होगा, बड़े भाई का भी सहयोग मिलने के योग हैं। विशेष उपाय, घर में लगे हुए पेड़ पौधों की सिंचाई कीजिएगा। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों आज माता को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, जमीन जायदाद के मामलों में कुछ दिक्कत आने के भी योग हैं, परंतु समाज में मान सम्मान आपको मिलेगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग हैं।
पिता को सुख प्राप्त होगा। विशेष उपाय, सफेद गाय को खीर खिलाए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातक को आज आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी सफलता के चांस बनेंगे। धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, भाग्य आपका प्रबल है। विशेष उपाय, हनुमान जी पर लाल पुष्प अर्पित कीजिए। सेजिटेरियस यानी धनुराशि, धन लग राशि के जातकों आज परिवार से मतभेद होने की योग दिख रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा, आयु में वृद्धि होगी, पुरुषों की संपत्ति का लाभ होगा। विशेष उपाय, विष्णु भगवान पे बेसन के लड्डू अर्पित करिएगा। कपिकार यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, मन कुछ खिन्न रहेगा, रोजगार में लाभ होगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, भैया खुश हो जाओ, आज आपको गृहस्थ लाभ मिलेगा। विशेष उपाय, काले कुत्ते को सरसों का तेल चुपड़कर रोटी खिलाए। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों आज धन बर्बाद होने के योग दिख रहे हैं, बाहरी संबंधों के प्रति सतर्क रहिएगा, टेंशन बढ़ेगी, दुश्मन आप पर हावी होने की पूरी कोशिश करेगा। विशेष उपाय, शनिदेव मंदिर में आप दीपक जलाइएगा। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों आज आपको धन का लाभ बहुत मामूली होगा, बड़े भाई से कुछ मतभेद होने के योग दिख रहे हैं, परंतु संतान से आपको सहयोग मिलने के योग हैं। छात्रों को मेहनत करने से सफलता जरूर मिलेगी। विशेष उपाय, लाल गाय को पके केले खिलाएं। अगर आप अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो आपको क्या करना है? अगर राशिफल में आप विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपनी राशिफल लग्न से देखिएगा। अगर आपको अपने लग्न नहीं मालूम है तो निःशुल्क हमसे आप अपने लग्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दीर्घना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो थे। आवश्यक सूचना हत्रिका परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9807225523 यानी मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों एक ही है। मिलने का स्थान जो मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर सामने पार्क के पास आवास विकास नंबर 1 कल्याणपुर कानपुर नगर। जय माता दी।